लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए शनिवार को वोट डाले जा रहे हैं। सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी में भी आज मतदान हो रहा है। वाराणसी में इस बार मतदाताओं के लिए स्पेशल मॉडर्न बूथ बनाए गए हैं, जहां एसी से लेकर लस्सी और छाछ तक की व्यवस्था है। इसके अलावा रेड कार्पेट पर वोटरों का स्वागत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तमाम मॉडर्न बूथ को शादी के मंडप की तरह सजाया गया है। इन बूथ में सोफा, कूलर और एसी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पेयजल और दूसरी जरूरी इंतजाम भी यहां किए गए हैं। इन सब के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां लोग वोटिंग के बाद सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। वहीं शहर के कुछ बूथों को गुब्बारे से भी सजाया गया है। ये तस्वीरें वाराणसी के गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज की है। बताते चले कि वाराणसी लोकसभा सीट में कुल 820 मॉडर्न बूथ बनाए गए हैं। इसमें माध्यमिक विद्यालय में 100 से ज़्यादा और वीडीए की ओर से 10 और नगर निगम की ओर से 12 और अन्य संस्थाओं की मदद से इन मॉडर्न बूथ को तैयार किया गया है, जहाँ वोटरों के लिए हर जरूरी इंतजाम है। इसके अलावा भीषण गर्मी को देखते हुए वाराणसी नगर निगम भी मतदाताओं को राहत के लिए तमाम बूथों पर लस्सी, छाछ और पानी के पाउच बंटवा रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या क्या देखने जी क्या क्या देखने को मिला इसमें? सबसे पहले बुजुर्ग और जो बड़ी महिलाएं हैं उनको भी मतलब व्यवस्था है, बैठने का व्यवस्था है और फैन वैन भी सब लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। पानी की सबसे अच्छी व्यवस्था है, कम से कम प्यास लगी तो तुरंत हम पानी पी सकते हैं। लाइन भी ठीक है, अंदर की व्यवस्था भी अच्छी है। लोकतंत्र के महापर्व पर, क्योंकि बनारस में आज मतदान हो रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसमें ये हम उसी के क्रम में ये बूथों पर अपने जितने बूथ हमारे हैं उस पर जो है छाछ का वितरण किया जा रहा है। और भी जो व्यवस्थाएँ करनी हो की जा रही हैं, पानी की और पेयजल की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, वही ताकि मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो।